पेश है गीता की गैंग से धर्मेश्वर। Can we just remove the back? आप माइक भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हो, उस पूरे हेड गेयर के साथ आपने डांस कैसे किया, सच में ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचंभा है। एक्चुअली ये जो कॉस्ट्यूम है जो परदेवता का, उसमें इतना शक्ति है कि आप कितने भी थके हुए हो बट फिर भी आप और मैं और 3 बार डांस कर सकता हूँ। ये डांस केरला का ट्रेडिशनल फोक है जिसे तैयम कहा जाता है, और ये जो रूप है ये परदेवता का रूप है जिसमें दुर्गा माँ, पार्वती माँ, ये सब माताएं जब एक हो जाती है तब उनका ये रूप आता है, और ये रूप के सामने किसकी भी नहीं चलती, तो ये परदेवता का रूप। और बहुत मुश्किल हुई होगी ना इसमें डांस करने में? जी ये 50 किलो का है। 50 किलो? हे भगवान! और आप 50 किलो का क्या रिहर्सल में भी ये पहनकर आप डांस करते थे? हाँ, एक दो बार किया था, फिर चक्कर खा के गिर गया था। चक्कर बहुत कम पहना था इसलिए, पूरा नहीं पहना था, पूरा परफेक्ट पहना था, उसके बाद एक बार गया, अच्छे से हो गया। मास्टर रेमो जी, तो कैसा लगा आपको ये? सबसे पहले जब ऐसे मंच पे कोई ऐसे ट्रेडिशनल फॉर्म लेके आते हैं और परफॉर्म करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ट्रेडिशनल फॉर्म को इस मंच पे लाने के लिए गीता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। धर्मेश ने ये एक्ट किया उसके लिए मैं उनकी दाग दूंगा, बट मुझे तैयम वेरी क्लोज टू कथकली आई थिंक, जो भी एक्सप्रेशन नहीं, नो इट इज़ नॉट। ये बेसिकली तैयम के बारे में कुछ बताऊंगी कि ये महाशक्ति देवी का रूप है, परदेवता बोलते हैं इसे, क्योंकि सारी देवियां जब साथ में आ जाती हैं दे कम टू फाइट ऑल ईवल एंड नेगेटिविटी, तो उनके आगे फिर किसी की नहीं चलती। इट्स बेसिकली अबाउट एंगर, कथकली के बिल्कुल नज़दीक नहीं है ये टेम्पल फोक डांस है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है
हमने थोड़ा सा उन्हें डांस भी करवाया, बट इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अग्रेशन, बहुत गुस्सा, नाराजगी, प्रकोप, जिसे हम कहते हैं देवी का जो प्रकोप होता है, ये उसके बारे में है. तो थैंक यू, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो तैयम के बारे में हमें इतना मुझे जानकारी नहीं है उतनी, तो मैं इसके टेक्निकलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ. बट जितना देखा मैंने उस हिसाब से मैं कहूँगा कि धर्मेश आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया. मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गाने के साथ समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी. अदरवाइज जो बिगिनिंग आपने किया, जो आपकी आँख खुलती है उसके बाद आईब्रोज जो आप हिलाते हो वो ऑफ स्टार्ट हुआ बिगिनिंग में. उसके बाद जो आईब्रोज जितने मैंने परफॉर्मेंस देखे उसमें आईब्रोज और ये हिलते हैं, मतलब यू नो कांपते हैं एकदम. तो मुझे लगा कि वो क्लोज एक्सप्रेशन में मे भी इतना टाइट है इसलिए आप ठीक तो नहीं कर पाए. बट अदरवाइज जो आपने निका, शुड दे होल्ड दिस एंड डांस, आर दे सपोज टू होल्ड इट एंड डांस? ओके, देन मुझे लगा कि वो आप जो पकड़ के डांस कर रहे थे वो पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचा पकड़ने का था. ओके परफेक्ट, देन अदरवाइज सुपर, वेरी गुड. वंस अगेन थैंक यू गीता. थैयम जो डांस है वो एक वर्ड से कॉइन होता है, दैवम, विच इन मलयालम मीन्स गॉड, एंड ये नॉर्थ केरला से आता है. और जैसे गीता माने ठीक कहा, ये टेम्पल डांस है. ये जब डांस करते हैं तो लोग ट्रांस में चले जाते हैं, और ये जो डांस करते हैं लोग ये बहुत सालों से करते आते रहे, लेकिन एक हफ्ते में ये करना जो सालों से करते आ रहे हैं, ये इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द आर्ट फॉर्म कम्प्लीटली. मैं कोई भी चीज़ ऐसे अटेम्प्ट नहीं करूँगी बगैर किसी के इजाज़त के या बगैर किसी के परमिशन के. तो हमारे साथ आए हैं, मैंने बुलवाया था, ये जो कॉस्ट्यूम है ये भी ओरिजिनल है जो इन्होंने किया, काफ़ी हद तक ओरिजिनल है. जो ट्रांस की बात आप कर रहे हो वो कॉस्ट्यूम उसमें और ऐड कर देता है, लेकिन हमारा काम है हर हफ्ते एक नई चीज़ पेश करना. हमारा ये भी काम है कि हम लोगों को एजुकेट करें. लेकिन धर्मेश, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि आपने पूरा जस्टिस किया, सो आई एम श्योर दैट वी हैव नॉट डन इनजस्टिस. अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो आई एम रियली रियली सॉरी. तो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड. आप कुछ कहना चाह रहे हैं मास्टर टेरेंस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिस तरीके से मैंने देखा है आर्ट फॉर्म को, जो ट्रांस में जाते हैं और जो सालों लग जाते हैं वो दिखाई नहीं दिया, तो उसकी बात में कर रहा था. और क्या होता है कि ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ये बहुत, जैसे धर्मेश सर ने सही कहा, बहुत ही हैवी प्रॉप है. तो इसके लिए आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोस चक्कर्स, वो टर्न्स बहुत स्पीड में लेते हैं, तो अपने होश के साथ चक्कर नहीं ले सकते, यू हैव टू कम्प्लीटली बी इन अदर स्पेस, और तभी वो स्पिन आते हैं और वो जो मज़ा आता है देखने के, और हम जो देखते हैं हम भी ट्रांस में चले जाते हैं, तो वो फीलिंग नहीं आई. That is what I want to say. I'm not saying that the art form अच्छा नहीं है. In fact, मुझे बहुत respect, मैंने देखा भी है. So I just feel that एक हफ्ते में इसको करना थोड़ा आपके लिए नानसाफी है करने के लिए, मतलब it's not fair to you for the competition. That's all. दादा, एक बहुत नई शैली हमने देखी, और जैसे देखिए मैं तैयम के बारे में तो बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि I don't want to comment on this because respected ट्रेडिशनल आर्ट. लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, एक स्टाइल हिप हॉप एंड वहां से हट के आगे कोई नई चीज करना, नई चीज करना, ये काबिल तारीफ. तो आज इसको पहली बार इसमें देखकर आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट, कि समथिंग नई चीज था. मैंने हर वक्त कहा हूं कि काबिल तारीफ, हर कोशिश जो नहीं होगी काबिल तारीफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू धर्मेश सर, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक नई शैली अटेम्प्ट की. यस मैम, थैंक यू.